हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का जो अर्लीस्ट अटैम्प्ट है वो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब में डिवाइड किया और एनिमल्स के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में रेड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को रखा और दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है उन्हें रखा। उसके बाद लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने दो किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। बहुत सालों तक यही क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो हुआ, लेकिन ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर होते गए जो ना प्लांट कैटेगरी के थे और ना एनिमल कैटेगरी के थे। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा भी क्लासिफिकेशन के बेसिस की नीड हुई। तो जैसे सेल का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन बेसिस को भी इंक्लूड करके न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप होते गए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो हैकल ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया। जो प्रोटिस्टा किंगडम था, इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया था। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कॉपेलैंड ने दिया था। कॉपेलैंड ने मोनेरा किंगडम को बनाया। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, ये फोर किंगडम हो गए। उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, जिनमें उन्होंने पांच किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर.एच. व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पर बेस्ड था। तो वो बेस्ड था सेल स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर था। तो उन्होंने ये जो पांच किंगडम बनाए, उनमें मोनेरा किंगडम में जो सेल टाइप था वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में है यूकैरियोट्स, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया। सब में यूकैरियोट्स है, बस मोनेरा में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन वो नॉन सेलुलर और पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स। फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं होती है। फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है। प्लांटी में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोट सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बाकी सब यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा किंगडम में सेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, फंगस मल्टीसेलुलर और टिश्यूज़ होते हैं उनमें, प्लांटी में भी टिश्यू ऑर्गन्स और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो मोनेरा है इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी होती है। ये ऑटोट्रॉप्स भी हैं, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉप भी है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, पैथोजन, सब तरीके का न्यूट्रिशन मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में मिलता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों टाइप के हैं। फंगस मोस्टली हेटरोट्रॉप्स हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक हैं। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया। एनिमल्स जो हैं ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जिनमें है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को इनगल्फ करते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करके एसिमुलेट करते हैं। कुछ एनिमल्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे वल्चर वगैरह, ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक ओवरव्यू है आर.एच. व्हिटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस ने दिया था। कार्ल वूस ने जो मोनेरा किंगडम है इसे दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो टोटल सिक्स किंगडम हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जो हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी उसमें हाईएस्ट कैटेगरी हमने देखी थी किंगडम। तो किंगडम जो है वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे हाईएस्ट रैंक है। अब किंगडम से ऊपर भी एक कैटेगरी बनाई गई जिसे कहा गया डोमेन। तो जो डोमेन सिस्टम है उसमें तीन डोमेन बनाए गए, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया डोमेन के अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, यू बैक्टीरिया में यू बैक्टीरियाज को रखा गया और यूकैरिया के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया किंगडम, इन्हें रखा गया। अब सबसे पहले हम मोनेरा किंगडम को डिटेल में देखते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम है इसमें प्रोकैरियोट सेल्स बैक्टीरिया इंक्लूडेड हैं। बैक्टीरिया जो हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स हो सकती है। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉप्स है, जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते, वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लें उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं इनमें मोस्ट डाइवर्स टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। अब मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं? तो मोनेरा, मोनस का मतलब होता है सिंगल, जिसमें प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं। इनमें जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है लेकिन वो जेनेटिक मटीरियल सराउंडेड नहीं रहता है किसी भी मैम्ब्रेन से, मतलब कि इनमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तभी इन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स में न्यूक्लियस, तो इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं और सिंपल क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं कि जो मैम्ब्रेन्स होती है उनकी प्लाज्मा मैम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्रोमैटोफोर्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं उनके साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनेल, मैम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। राइबोसोम जो है ये नॉन मैम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, ER, सेंट्रोसोम, ये सब एब्सेंट होते हैं। सैप वैक्यूल भी मोनेरा किंगडम में एब्सेंट होती है। सैप वैक्यूल के बजाय उनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो प्रीडोमिनेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है एब्जॉर्बिटिव टाइप का, और कुछ ग्रुप इसमें होलोफाइटिक यानी कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया मोटाइल भी हैं। तो जो मोटिलिटी है वो उनमें फ्लैजिला की वजह से थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिलिटी है वो फ्लैजिला की वजह से होती है मोनेरा किंगडम में, ना कि सीलिया की वजह से। और कुछ बैक्टीरिया ग्लाइड भी कर सकते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं और यूकैरियोट्स में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोट्स के वो किसके बने हैं? तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने हैं और इन पर कोई भी मैम्ब्रेन नहीं होती है, ये टिप पर ग्रो करते हैं। लेकिन यूकैरियोट के जो फ्लैजिला होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं प्लाज्मा मैम्ब्रेन से। तो जो मोनेरा सेल्स है ये माइक्रोस्कोपिक होती है, जो 1 माइक्रोन से कुछ माइक्रोन तक हो सकती है। जो मोनेरेंस हैं, मैक्सिमम मोनेरेंस के अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब जो मोनेरा किंगडम में सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनेरा किंगडम में सेल वॉल किसकी बनी होती है। जो रिप्रोडक्शन का मेथड है तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉर्मली, जो बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। इसमें माइटोटिक एपरेटस यानी कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें क्रोमोसोम फॉर्मेशन और क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, जो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के शेप। अब जो बैक्टीरिया हैं उनको शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पाइरलम। कोकाई ओवल और स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं माइक्रोकोकस। बेसिलाई बेसिलाइस रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला और फ्लैजिला प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है, लेकिन जो कोकस होते हैं ये नॉर्मली विदाउट फ्लैजिला होते हैं। विब्रियो ये स्मॉल कोमा और किडनी शेप के बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें फ्लैजिला एक एंड पर प्रेजेंट रहता है, एग्जाम्पल है इसका विब्रियो कॉलेरा। स्पाइरलम जो है ये स्पाइरल और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्पाइरल्स होते हैं इनमें दोनों एंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर अब कोकस बैक्टीरिया सिंगल है तो इन्हें मोनोकोकस कहा जाएगा, और अगर दो कोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है मीन्स कोकाई जो है पेयर में है तो उन्हें डिप्लोकोकी कहेंगे। अगर वो 4 हैं, 4 पैकेट्स के फॉर्म में है तो उन्हें टेट्राड कहेंगे। अगर वो क्यूब शेप के स्ट्रक्चर में अरेंज है, 8, 16 या 32 सेल्स हैं तो उन्हें सर्सिनी कहेंगे। अगर कोकस बैक्टीरिया एक चेन फॉर्म में है तो उन्हें हम स्पेक्ट्रोकोकाई कहेंगे, और एक इरेगुलर बंच के फॉर्म में है तो उसे माइक्रोकोकाई कहेंगे। जो विब्रियो ये कॉमा शेप के कर्व्ड रॉड्स होती हैं और बेसिलाई रॉड शेप के होते हैं। तो जो बैसिलस है उनके अंदर भी अगर बहुत सारी बैसिलाई एक चेन फॉर्म में है तो उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहेंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप होता है उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कैप्सूल, जो सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल जो होता है ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस का बना हुआ होता है। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है उन्हें हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये विरुलेंट होते हैं और मोस्टली कैप्सूल जो होते हैं वो पैरासिटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करते हैं, तो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। अगर उसमें केवल पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे, जो बैक्टीरिया को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं। उसके बाद जो कैप्सूल है उसके बाद सेकंड लेयर होती है सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल वॉल से बहुत डिफरेंट होती है, जिसके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है और ये रिजिड सेल वॉल होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की, इसमें 2 इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव हैं, NAG एंड NAM, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके अलावा एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, डाइअमीनोपेल्मिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो सेल वॉल के बाद आती है बैक्टीरिया की सेल मैम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मैम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन है ये थिन, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमीएबल होती है। क्लास 11 का जो 8th चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें प्रोकैरियोट का जो सेल एनवेलप है, ओल्ड NCERT में वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमीएबल बताया था, अब न्यू NCERT में करेक्ट करके उसे सेलेक्टिवली परमीएबल बताया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमीएबल होती है, जो फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ अमाउंट में इसमें पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टेरॉइल्स एब्सेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, इसलिए उनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, इन फोल्डिंग से मीजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीजोसोम्स क्या होते हैं। तो मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से डेवलप होते हैं, जिनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्वस फ्लूइड या सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें लार्ज नंबर में 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक साथ अटैच होकर पॉलीसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर थाइलेकॉइड जैसे वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियो, क्लोरोफिल और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में अब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है वो सराउंडेड नहीं रहता मेम्ब्रेन से, तो उससे हम न्यूक्लियॉइड या गोनोफोर कहेंगे, जो इनसेपेंट न्यूक्लियस कहलाता है। अब न्यूक्लियॉइड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड अगर जो न्यूक्लियॉइड है उससे अटैच है तो इसे हम एपिसोम कहेंगे। प्लाज्मिड टर्म जो है ये लेडरबर्ग ने इंट्रोड्यूस की थी। जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड का डीएनए इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है न्यूक्लियॉइड डीएनए से। उसके बाद है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये प्रोटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होते हैं और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इन पर कवरिंग नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब जो फ्लैजेला है उनके नंबर और उनकी पोजीशन के बेसिस पर बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया है। अगर ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर केवल एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उसे हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें दोनों साइड पर फ्लैजेला प्रेजेंट हो उसे हम एम्फीट्राइकस कहेंगे। जिसके केवल एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला हो उसे हम लोफोट्राइकस कहेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो उसे हम पेरीट्राइकस कहेंगे। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एक पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया जिसपे ए मीन्स नो, ट्राइकस मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जिसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेला एब्सेंट हो उसे हम ए ट्राइकस कहेंगे। सेफेलोट्राइकस जिसके दोनों एंड्स पर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला हो तो उसे हम सेफेलोट्राइकस कहेंगे। अब जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसमें उस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है। अब है पिली और फिमरी। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला के अलावा भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं पिली और फिमरी। जो पिली हैं ये पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। इनका इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है लोकोमोशन में, मीन्स ये लोकोमोशन में इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है अटैचमेंट में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो दो स्ट्रैंड से बैक्टीरिया के उन्हें अटैच करने में ये हेल्प करते हैं। अब जो पिली और फिमरी है इनका डायमीटर है 3.3 to 5 मिलीमीटर और इसका जो लेंथ है वो है 0.5 से 2 मिलीमीटर। अब जो पिली और फिमरी है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कॉन्जुगेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। अब जो सेल वॉल है उसके बेसिस पर बैक्टीरियाज को डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया को सेल वॉल की प्रेजेंस के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है बैक्टीरिया को स्टेन करने की। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में कलर नहीं लेते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एल्कोहल और एसीटोन से वॉश करने के बाद भी जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन होता है उसे रखते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वॉशिंग के बाद स्टेन को नहीं रखते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उनमें लिपिड कंटेंट जो होता है वो लो होता है। इसमें केवल 2 to 3% ही लिपिड प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें 20 to 30% लिपिड होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड का अमाउंट होता है 70 to 80% और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है 10 to 20%। जहाँ से फ्लैजिला अराइज होता है, तो मतलब जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी है वहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ओनली 2 रिंग्स होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग्स होती है। जो मेसोसोम्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोर प्रोमिनेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव वाले वो एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरेंस जो होते हैं, पोरेंस क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें सेल वॉल के आउटर मेम्ब्रेन पर पोरेंस और हाइड्रोफिलिक चैनल प्रेजेंट रहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल है उनमें टिकॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर टिकॉइक एसिड एब्सेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। फिर है आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है क्योंकि ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो गए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में मिलते हैं उन्हें हम हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में मिलने वाले बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं और मार्शी एरिया में मिलने वाले मैथेनोजेंस कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सॉल्टी एरिया में मिलने वाले जो बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं और मैथेनोजेंस कहाँ पे मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होती है उनकी सेल वॉल जो यू बैक्टीरिया है उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, तभी ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, जो मिथेन गैस, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इनमें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और इतनी हार्श कंडीशन में ये इजीली रह पाते हैं। जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल पर स्यूडोम्यूरेंस प्रेजेंट होता है। अब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिन्हें कॉमनली हम PPLO कहते हैं। PPLO के फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है इसे जो कैटल हैं उनके प्लूरल फ्लूइड से डिस्कवर किया था। वो कैटल प्लूरो निमोनिया से सफ़र कर रहे थे, तो ये नॉकार्ड और राउक्स ने 1898 में इन्हें डिस्कवर किया था। जो माइकोप्लाज्मा होता है इनका साइज़ है 0.1 से 0.1 माइक्रोमीटर। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। नीट में क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं एनारोबिक कंडीशन में, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट है। इनके अंदर DNA और RNA दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें दोनों जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है जो AT रिच, DNA में एडेनिन, एडिनोसिन एंड थाइमिन की रिचनेस, AT रिचनेस है। जो माइकोप्लाज्मा है ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। तो ब्रिंजल में ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज करते हैं और बनाना में ये बंची टॉप ऑफ बनाना कॉज करते हैं। अब माइकोप्लाज्मा के बाद है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इन्हें साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मीन्स ये ऑक्सीजन को इवॉल्व कर सकते हैं। जो फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरियाज हैं वो नॉन ऑक्सीजेनिक होते हैं, मीन्स वो जो हाइड्रोजन के लिए वो H2S का यूज़ करते हैं और हायर प्लांट्स H2O का यूज़ करते हैं। तो हायर प्लांट्स वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, उनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो H2S का यूज़ करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, तो इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलीड्स। जो फूड होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स और प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये अर्लीस्ट इवॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 3 बिलियन ईयर्स बैक इवॉल्व हुए थे। जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें एक स्पेशल थिक वॉल्ड सेल प्रेजेंट होती है, जिन सेल्स को हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हेट्रोसिस्ट सेल्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करता है। तो हेट्रोसिस्ट सेल्स जो होती है वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने का काम करती है क्योंकि ये थिक वॉल्ड सेल्स होती है। तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो रेड सी का वाटर रेड कलर किस वजह से दिखाई देता है, तो रेड सी का वाटर साइनोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम, उसकी वजह से रेड कलर का दिखाई देता है। जो साइनोबैक्टीरिया इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो हायर प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी तरीके का होता है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इनके चारों तरफ एक जिलेटिनस शीट प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबेना और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनका जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये मिनरल्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर साइकिलिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अगर वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं तो उन्हें हम सेप्रोफाइट कहेंगे, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं तो वो पैरासाइट्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोंट्स होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। तो जो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन के थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जिसमें जो जेनेटिक मटीरियल है उसके चारों तरफ थिक कवरिंग क्रिएट होती जाती है जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में, उसमें सबसे कॉमन मेथड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया होते हैं वो अपने पिलाई के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिससे उनमें अब कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये अपने जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज करते हैं। तो एक सेल इसमें होती है डोनर सेल, एक होती है रेसिपिएंट सेल। जो डोनर सेल होती है इसमें एक एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे एफ पॉजिटिव सेल कहते हैं। और रेसिपिएंट सेल होती है जिसके अंदर वो एफ फैक्टर एब्सेंट होता है, इसलिए उसे एफ नेगेटिव सेल कहते हैं। तो ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग मीडियम से डीएनए को इनटेक करके अपने जेनेटिक मटेरियल में ऑल्टरेशन कर दे, मीन्स अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। अब जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में वायरस, बैक्टीरियोफेज की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इससे क्वेश्चन आया था, एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है कि वो कौन सी प्रोसेस है बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जिसमें वायरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो है ट्रांसडक्शन। अब जो ट्रांसडक्शन है ये दो तरीके से हो सकता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसको हम जो वायरस की लाइफ साइकिल है उसमें डिटेल में देखेंगे। तो जो वायरस होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे जेनेटिक मटेरियल में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमने मोनेरा किंगडम को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा किंगडम को डिस्कस करेंगे।